नीचे से वाटर प्रूफ होता है, सिल्पोलिन की लेयर लगवा रखी है हमने टेंट के अंदर। इसमें ये टू मैन टेंट है, इसके अंदर हमारे पास फोर मैन भी मिल जाएगा, सिक्स मैन भी मिल जाएगा, एट मैन भी मिल जाएगा। और उसके ऊपर सिंगल लेयर 1200 रुपए से स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे पास, उसके बाद आ जाती है डबल लेयर। अगर आप चाहते हो डबल लेयर, इसमें घंटे का बैटरी बैकअप है इसका, एक बार चार्ज कर लो 6 घंटे चला लो, 650 रुपए की रेंज में। हेडलैम्प हमारे पास 150-200 रुपए की रेंज में, ये बहुत अच्छी लगी, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, मैंने ले लिया। हाँ जी, ये आप इसमें लगाओ अपना यहाँ पे और चार्ज करो। ये भी नया आइटम है, मुझे लगता है पहले नहीं था आपके शॉप पर ये। पहले नहीं था, अब ये नल में भी आ गया। ये कितने लीटर का पड़ेगा? ये भी 5 लीटर है, इसमें नल लगा दिया। अच्छा, नल लगा दिया। आप इसको ऐसे कर लो, यूं करा, बैठ गए, बस बैठो आप इसमें, बैठो बैठो। यार पहले तो इसकी फोल्डिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी, एकदम इजी, तो खोलते ही साथ ही बंदा यूं बैठ जाओ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको दुनिया का सबसे छोटा चूल्हा। ये चूल्हा आप देख पा रहे हो, एक उंगली से भी छोटा चूल्हा है। ये देखो, ये बात बहुत बढ़िया भाई, इससे काम हो गया भाई। जितना बार फुल फ्लेम में आई है, जितना बार इसको तेज करो, होते जाके भाई, होते जाके एकदम हेलीकॉप्टर जैसी आवाज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं दिल्ली के मशहूर विनायका सेल्स पर, जो है नियर बाई मेट्रो स्टेशन के पास शास्त्री नगर, और वहाँ पर मुझे लेना है कैंपिंग का सामान। बाकी की बातें मैं आपसे करता हूँ, चलते हैं। सचिन बाबा राइडर आज का अपने चैनल में स्वागत करता है। जय जय शंकर, काटे लगने कंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ सबके साथ। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊँगा आज विनायका सेल्स पर और अपना कैंपिंग का सामान लेने, और गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना विनायका सेल्स। ये देखिए दुकान, और अब मैं लूँगा यहाँ पर अपना कैंपिंग का सामान। मैं अपनी पहली बार कैंपिंग करूंगा, यानी कि मेरी फर्स्ट कैंपिंग होगी, तब मैं यहां से सामान ले लूंगा। तो और जल्द से जल्द मैं आपको अपने एक अच्छी सी राइडिंग पे मिलूंगा और अच्छी सी कैंपिंग करूंगा मैं, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं विनायका सेल्स के अंदर और कैंपिंग का सामान लेने। और भाई मेंग भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। भाई आज मुझे देखो कैंपिंग के लिए सामान, और मुझे और मेरी फर्स्ट कैंपिंग होगी, और ऐसा सामान देखा। लद्दाख ट्रिप कैसा रहा आपका? लद्दाख ट्रिप बहुत बढ़िया रहा मेरा, जी जी, बहुत बढ़िया। आपसे सामान लेके गया था, बहुत अच्छा, जी जी, मतलब यूज करा हमने, बहुत अच्छा यूजिंग में रहा सामान आपका। मैं आपको दिखाता हूं सामान, तो अभी आप देख रहे होंगे कैंपिंग। हां, ये सारा सामान है, बस मुझे कैंपिंग के पर्पस से दिखा दो, ज्यादा मतलब टेंट के हिसाब से दिखा, जो जो अपना टेंट वगैरह है। ओके ओके, ये दिखा है भैया ने टेंट, और ये 2% का टेंट है, और भैया जी अभी लिखा, अभी हम मुझे लगा के दिखाएं, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल आता नहीं लगाने, इसलिए भैया कह रहे हैं आपको लगा के दिखा। तो वैसे उन्होंने कभी किसी को ये बना के लगा के नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है ना। ये तो मेरे पास थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी, तो भैया मुझे लगा के दिखा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा होता है? 2%। कौन इसमें डाल दो, उसमें डाल दो हल्का सा। ये टू मैन टेंट हो गया आपका, ऊपर वेंटिलेशन के लिए ये हो गई, ये सिंगल एयर टेंट है, और जब आप चाहो इसको कि हाँ भाई मच्छरदानी की तरह यूज करना है, तो आप अंदर बैठे हो, इसको बंद करो ऐसे, ठीक है,
ये आप वैसे अपने व्यू भी लेते रहो, हवा लेते रहो, फास्ट वेंटिलेशन भी अपना हो जाएगा, काम हो जाएगा। जब आपको बंद करना गुड नाइट करनी हो, हां उस टाइम आप इसको भी बंद करो तो टेंट के अंदर गुड नाइट करो। ये गुड नाइट हो गई अपनी। हां नीचे से वाटरप्रूफ है और उसको पूरा वाटरप्रूफ करना और करना। ये नीचे से वाटरप्रूफ होता है, सिल्पोलिन की लेयर लगवा रखे हमने टेंट के अंदर। अच्छा, इसमें ये टू मैन टेंट है, इसके अंदर हमारे पास फोर मैन भी मिल जाएगा, सिक्स मैन भी मिल जाएगा, एट मैन भी मिल जाएगा। और इसके ऊपर लेयर 1200 रुपए से स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे पास, उसके बाद आ जाती है डबल लेयर। आप चाहते हो डबल लेयर तो इसके ऊपर बारिश ज्यादा हो और तो इसके ऊपर से डबल लेयर ले लो। टेंट बाजार में लोग सस्ते भी बताते हैं कि हम 800 में दे देंगे, हमारे पास 1000 में आ जाएंगे। क्वालिटी क्वालिटी का फर्क होता है भैया। मेन इसका अलग से क्या चार्ज है? ये इस आप लोगे तो ये आपको 1650 का पड़ेगा टोटल डबल लेयर। हाँ जी टोटल। ये अभी ये मैं लगा नहीं पा रहा है यहाँ पे, ये स्टिक और लगेगी ना जो प्रॉपर ऐसा छज्जे की तरह तन जाएगा आपका। ये आगे समझ पा रहे हो बात को? अभी तो ये वैसे है, ये इधर से लग के पूरा आपका छज्जे की तरह ऐसे तन जाएगा। इलास्टिक अभी पूरा पूरा लगाना पड़ेगा ना स्टिक। दोस्तों स्पेस कम होने के कारण इसलिए भैया जी हाथ उठा के दिखा रहे हैं, इनको लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मैं आपको तो कैंप लगा के दिखाई दूंगा कल परसों राइडिंग में जाऊंगा। तो ये देखो ये कुछ इस प्रकार से लगता है ना आपका, जब तन के पूरा छज्जा बन जाएगा आगे ये पूरा ऐसे लगेगा। ये उठा रहेगा स्टिक, ये पीछे की तरफ लगेगी, इधर अटक गई ना ये स्टिक और पीछे की तरफ स्पेस होता तो मैं आपको पूरा ऐसे समझा पाता इसको। ठीक ठीक। हां जी हां जी। हमारे तो देख लिया। तो दोस्तों ये तो गया अपना स्टैंड और इसके बाद इसके अंदर देखते हैं लाइट और जो जो मैट्रेस है वो दिखा दो। इसके लिए मैट्रेस दिखा देता हूं। मैट देखो बढ़िया सा। अब गाइस का है, अब दिखाते हैं इसका। उसके बाद है टेंट के लिए मैट। इसका वजन देखो बिल्कुल, आप एक उंगली से 100 ग्राम वजन में नहीं होगा इसका, बिल्कुल 50 ग्राम 50 ग्राम वजन में नहीं है। 6 फीट लंबा है ये, सवा आपका 3 फीट चौड़ा है। खोलो इसको, वाटर प्रूफ है, वॉशेबल है, जहाँ मर्जी आप इसको ऐसे बिछा सकते हो। ये देखो आप अपनी हाइट के अनुसार जैसे मर्जी इसको यूज कर लो, इसको मोड़ लो तो उड़ लो, इसका कुछ भी नहीं टूटने उठने वाला, जैसे मर्जी इसको आप यूज कर सकते हो। 350 रुपये की रेंज की आइटम है। हाइट पूरी है, 6 प्लस हाइट होती है। बिल्कुल भाई, मैं 6 फुट का हूँ और 6 प्लस ही। और एक दूसरा दिखाना पूर्णिया वाला मैट्रेस। उसके बाद फिर अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हमें एयर मैट्रेस चाहिए कि हवा भरे और आप चलाओ, तो ये इंटेक्स कंपनी का हमारे पास एयर मैट्रेस भी है। इसमें सिंगल बेड का डबल बेड का दोनों मिल जाएंगे। ये इसका एयर वाला पंप, पैर वाला पंप आता है। इसमें हमारे पास 1500 रुपये का सिंगल आदमी का, डबल आदमी का 1850 का, 400 रुपये का हमारे पास पंप है। वैरायटियां बहुत आती रहती है, रेंज इनमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। 1800 का ये और ये अलग से लेना पड़ेगा। ये आपको सिंगल बंदे के लिए 1550 प्लस 450 दे देंगे आपको, कोई बात नहीं। 50 रुपये स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है चलो अभी देखता हूँ गाइस, या तो मैं वाला मैट लेता हूँ सिंपल वाला, या तो फिर ये देखता हूँ कौन सा लेता हूँ अभी। उसके बाद मैं आपको 0 डिग्री के लिए स्लीपिंग बैग भी दिखा देता हूँ। स्लीपिंग बैग तो आप वैसे भी देख रहे होंगे, रेंज तो हमारे पास बहुत सारी है, बहुत है। जितने आप देखोगे उतने कंफ्यूज हो जाओगे। स्लीपिंग बैग प्लस 10 से लेके माइनस 10 डिग्री तक है। फिर भी मैं आपको ये वाला स्लीपिंग बैग दिखा देता हूँ 0 डिग्री के लिए, आपके लिए सफिशिएंट है। जैकेट वैकेट पहन के सोया जाता है, वो पानी में कैसे मारे 5 डिग्री तो वैसे ही रोक लेता हूं। हो जाए ये तो जीरो में है। उसके बाद ये ले लो आप माइनस 5 के लिए स्लीपिंग बैग। अच्छा जी जी, 2 किलो वजन के अंदर है सारे स्लीपिंग बैग वगैरह, सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है। आप इसके अंदर देख सकते हो भाई जी, देखो इसकी क्वालिटी देखो, जबरदस्त क्वालिटी है, बहुत ही जबरदस्त। रियल अक्षर निकल सकता नहीं, नहीं, फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स है। आप इसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी शायद वीडियो में आपको फील ना हो रही, पर आप ऐसे हाथ में ऐसे मुलायम अंदर का कौन सा छुपी होलो फाइबर होती है रिलायंस कंपनी का, कोई भी लोकल माल यूज नहीं होता, 10 नंबर की चेन है। क्वालिटी आप खुद देख के फील कर पा रहे होगी कि कैसी क्वालिटी का माल है। ठीक है ये एकदम बढ़िया 7 फुट का नहीं, पूरा स्लीपिंग बैग कोई भी 7 फुट से कम होता ही नहीं हमारे पास, हर स्लीपिंग बैग 7 प्लस हाइट का होगा। देखते हैं गाइस मुझे ये पसंद आ रहा है, शायद मैं यही लेके जाऊं कैंपिंग का सामान, बाकी आपको पता ही चल जाएगा मैंने क्या क्या लिया है। ठीक है उसके बाद में क्या है कैंपिंग अंदर का, कैंपिंग अंदर के लिए आपको स्लीपिंग टेंट दिखा दिया, स्लीपिंग बैग दिखा दी और ये मैट दिखा दी तीन से, उसके लिए आपको लाइट चाहिए होगी। लाइट मैं आपको टेंट के लिए लाइट दिखा देता हूँ। ये सोलर वाली लाइट है, ये 500 रुपये की रेंज की लाइट है। ये आप देखो इसमें पीछे सोलर पैनल होता है,
धूप में रखो वैसे चार्ज हो जाएगी, बाहर रखो चार्जर से और इसको बिजली से भी चार्ज कर सकते हो। ये एक इसके अंदर नाइट मोड हो गया, रात को रख के वैसे चलती रहेगी टेंट में। ये इसमें टंगाने का सिस्टम है ना, टेंट के अंदर टंगाने का सिस्टम होता है, ऐसे हैंग हो जाएगी। ये देखो सिस्टम शायद वीडियो में नहीं दिख पा रही हो, रोशनी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक 10x10 के कमरे को भी ये पूरा आपको उजाला कर सकता है। ये 500 रुपए की रेंज में सोलर वाली, सोलर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, सोलर का मोबाइल चार्जर भी हमारे पास। और इसमें एक वादी लाल टेंट टाइप आती है, वो चाइनीज प्रोडक्ट था, बंद हो गया भैया वो सब। ये देखो ये 350 की रेंज में टेंट, इसके अंदर टॉर्च भी है, ये ऐसे हो गई साथ में। फिर ये मॉडल है सेम विदाउट सोलर में, ये 350 रुपए की रेंज के आइटम है। इसमें वो मोबाइल सोलर वाली होती है, ये 350 रुपए की रेंज के आइटम। सोलर के लेके गया था, हाँ जी हाँ, ये 500 रुपए सोलर के साथ है। उसी के साथ हमारे पास आ गया बिल्कुल लाइट वेट में मोबाइल का चार्जर भी, लाइट प्लस मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्ज इतना नहीं करता, 10-20% इमरजेंसी में निकाल देगा आपको। ये देखो ये आपको एक टेंट की तरह ऐसे टांग लो, ये आप अपने बैग में भी हैंग कर सकते हो ऐसे करके, जे हुक की तरह होती है। ये एक मोड हो गया इसमें, एक ये कम हो गई, एक इसके अंदर ये हो गई, एक ये हो गई, ये भी टेंट में आप ऐसे हैंग कर सकते हो। साथ में इसमें साथ में यूएसबी केबल भी आती है, चार्जर है, चार्ज कर लो इसको, चाहो तो इसको धूप से भी चार्ज कर लो इमरजेंसी में। 10-20% अपना फोन लगा के भी इससे फोन चार्ज कर, थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। हाँ ये है कि भाई इमरजेंसी है, फोन डेड हो रखा है, ये 700 रुपए की रेंज की। 700 रुपए, हाँ जी। सोलर में बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, आप ये भी देख पा रहे होंगे, सोलर में ये वाली सोलर लाइट भी है, और भी हमारे पास सोलर के साथ जो 3 बल्ब आते हैं वो वाली लाइटें भी है, पानी की बोतलें हैं, हेडलैम्प है, पिल्लो आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रेशन बैग देख पा रहे होंगे आप, टैंक बैग है, सैडल बैग है, वॉकिंग स्टिक है, रक्षक बैग आप देख रहे होंगे, जैकेट तो मैंने भैया को दिखाई, ये हेडलैम्प है भैया, पैक करके रख दो, बढ़िया सी, पैक करके रख बेटा, उसको मतलब खाना वाना बना रहे हो। हाँ ये आप अपने माथे में लगाओ इसको ऐसे, सेल डालेंगे इसमें अंदर, अभी सेल नहीं है, सेल डाल के आप इसको चार्ज चला सकते हो। बैटरी अपने डालेंगे, चार्जेबल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, चार्जेबल नहीं, आपको चार्जेबल चाहिए, मैं चार्जेबल वाली, चार्जेबल देखो कर देखना, चार्जेबल वाली हेडलैम्प देखो, चार्जेबल देखो, ये चार्जेबल हेडलाइट है, 650 रुपए की रेंज में है। इसमें तीनों चार्जिंग ऑप्शन होते हैं, चार्जेबल सेल भी है इसके अंदर, आप गाड़ी का चार्जर भी आता है साथ में, आप बिजली का चार्जर भी है। ये इसको ऐसे खोल के आप अपने चार्जेबल सेल डालो, ये सेल चार्ज भी हो जाएंगे ना, चार्जेबल सेल है जी। ये आप इसको खोलो ऐसे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, एक ये मोड हो गया इसके अंदर, आप शायद लाइट में देख पा रहे होंगे, एक ये कम ज्यादा दो मोड हो गई, एक ये मोड हो गया, एक ये मोड हो गया, सामने पीछे से इंडिकेटर है इसमें, क्या आप सामने जा रहे हो तो पीछे वाले को दिखता रहेगा कि बंदा सामने से जा रहा है, ये प्रोडक्ट आगे पीछे सब। और ये बड़ा शानदार 6 घंटे का बैटरी बैकअप है इसका, एक बार चार्ज कर लो 6 घंटे चला लो, 650 रुपए की रेंज में। हेडलैम्प तो हमारे पास 150-200 रुपए की रेंज में भी, ये बहुत अच्छी लगी, बढ़िया प्रोडक्ट है, तो मैंने ले लिया। हाँ जी, ये आप इसमें लगाओ अपना यहाँ पे और चार्ज करो, अच्छा बिजली में लगा के इसको चार्ज कर लो, चार्जेबल बैटरी है, और ये सबसे मेन 6 घंटे चल जाएगी, 6 घंटे गारंटी है पक्का। हाँ जी बिल्कुल, हेडलैम्प तो 150 रुपए से स्टार्टिंग है भैया, आइटम है तो बहुत सारी, आप खुद ही देख पा रहे हो, आइटम तो आपके भंडार भरा है, हर तरह के आइटम, एक एक आइटम दिखाऊंगा तो 6 घंटे की मूवी बन जाएगी, कितनी मूवी बन जाएगी, 6-7 बन जाएगी। हाँ जी फिलहाल हमें तो यूनिक आइटम दिखाते रहो बस, जी 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 ठीक है ना, ये मैंने आपको दिखा दी, ये मैं लेने वाले आइटम कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डाउन जैकेट दिखा देता हूं, सोनो जैकेट तो कौन सा है, आप सोनो जैकेट तो आ रही है, माइनस कितना है, -10 तक की टेस्टेड जैकेट है जी, 5 डिग्री वो स्लिपी में और -10 है भाई, ठंड तो लगने का मतलब ही बनता है, कुछ चल रहा है लेकिन यहां आपका व्यवहार बहुत ही बढ़िया यार, बिल्कुल लाइट वेट, एकदम लाइट वेट यार, कैप इसमें डिटैचेबल है, कलर इसमें सारे मिल जाएंगे अपने पास, जैसा मर्जी कलर ले लो आप जैकेट में, ठीक है जी बहुत बढ़िया जी, कौन सा कलर लूँ इसमें, ब्लैक ले लेता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे कलर, बोले यार ये तो सही है, तो क्या आपका टेंट का सामान सारा, और मुझे बनाओ खाने पीने का सामान दो, खाने पीने दो, चूल्हे दो, चूल्हा देखो बढ़िया यूनिक सब बढ़िया, मैं आपको दे देता हूँ दुनिया का सबसे छोटा चूल्हा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको दुनिया का सबसे छोटा चूल्हा, ये चूल्हा आप देख पा रहे हो, एक उंगली से भी छोटा चूल्हा है, ये देखो एक उंगली से छोटा चूल्हा, इसको आप अपना ये खोलो, और ये नहीं है कि छोटा है तो खाना नहीं बनेगा, 2 किलो चिकन भी आप इसमें बना सकते हो, कितने आदमी का खाना, चार आदमी का बनेगा, कम से कम 4 आदमी बनेगा भैया, आप जितने मर्जी आदमी का खाना बनाओ। ये इसका बोतल आती है, ये इसके ऊपर लगाओ, ये इसने ऐसे ऑन करा, इजी एकदम यार, बिल्कुल पोर्टेबल है भैया, जेब में रखो, ये इसको ऐसे खोलो,
ये पोर्टेबल लाइटर है, ये लाइटर छोटे स्टोव है, इसमें लाइटर नहीं आता, आप चाहो तो ये लाइटर लो वरना नॉर्मल माचिस से चला सकते हो। हाँ जी हाँ जी, ये लाइटर में चला के देखो आप। चलो बस ये बहुत बढ़िया भाई, इससे काम हो गया भाई। जितना बार फुल फ्लेम में है ये, जितना बार इसको तेज करो होते जाके भाई, होते जाके एकदम हेलीकॉप्टर जैसी आवाज कर रहा है। ये मैंने बंदा कर रखा, जितना मर्जी तेज कर लो इसको, जितना मर्जी बंदा कर लो। ये गैस कितना चलेगा? ये 4 से 4.5 घंटे चलेगा। 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1000 रुपए। इसमें छोटा सिलेंडर लेना चाहते हो आप, छोटा सिलेंडर भी ले सकते हो, 850 रुपए का है। और ये चूल्हा कितने का है? ये चूल्हा 1200 रुपए का भैया आपके लिए। ये भी ये चूल्हा है, चूल्हे में बहुत सारी वेरायटी है भैया अपने पास। ये देखो ये भी एक चूल्हा है, ये देखो ये चूल्हे में क्या फ्लेम गार्ड, जैसे इस चूल्हे में आप ओपन में लगाते ना, ये देखो ये ऐसे खुल जाएगा। इस चूल्हे में 4 से 6 वैरायटी है, ये इसको ऐसे खोलो, ये इसको ऐसे खोल के ये इसको ऐसे करो। ये कितने का चूल्हा है? ये 1600 रुपए का चूल्हा है। इसमें इनबिल्ट लाइटर है, लाइटर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसको ऑन करो और चालू। हाँ जी ये यहाँ से चालू। इसमें भी 4 मॉडल है, छोटा सूटकेस वाला आता है वो वाला स्टोव भी है, एक पेट्रोल डीजल से चलने वाला स्टोव भी है, बूस्टर स्टोव दे जो पीछे रहता है बूस्टर। चला के दिखाएं इसको, ये मैं चला देता हूँ, हल्का सा दबा दो अंदर, ये यहीं से ऐसे ही चालू होगा, ये भी चला के दिखा दो। बटन यहाँ से होगा, नहीं आप कह रहे हो अंदर लाइटर, ये रहना इसमें लाइटर तो यहाँ से। ये देखो जी बहुत बढ़िया, भाई आज तो बड़ी मस्त निकल इसके अंदर भाई, होते आगे भाई मजा आ गया भाई देख के, तो आराम से 4-5 बंदों खाने से बन जाएगा। और ये 4 घंटे चलेगा कम से कम, मतलब 4 घंटा 50 मिनट कम से कम। हाँ जी हाँ जी। और ये वाला 2 से 2.5 घंटे चलेगा, 2 से 2.5 घंटे। ये हाई अल्टीट्यूड वाले ब्यूटेन है, ये जो -50 में भी नहीं जमते, जो वाइल्ड क्राफ्ट वगैरह के आते ना वो वाले -50 में भी। हाँ जी -50 में भी नहीं चलेंगे, ये इम्पोर्टेड ब्यूटेन है, मेड इन इंडिया नहीं है, इम्पोर्टेड ब्यूटेन है ये भाई। एक तो ये पक्का हो गया, चलो। हाँ जी, उसके बाद मैं आपको एक और स्टोव दिखाता हूँ जो आपको पेट्रोल डीजल केरोसिन सबसे चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बूस्टर कंपनी का स्टोव है ये, हमारे पास 4800 रुपए की रेंज का स्टोव है। ये आप देखो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये सारा सेट है इसका, पूरा सेटअप आता है। ये पेट्रोल डाल लो, मट्टी तेल डाल लो, डीजल डाल लो, जो मर्जी डालो, ऐसे चलाओ, जो मर्जी डाल लो। ये ऐसा होता है, और ये इसकी ब्यूटेन भी, ये 1/2 लीटर पेट्रोल की बोतल है, पेट्रोल डाल लो, डीजल डाल लो, ये यहाँ से कनेक्ट हो गए, कुछ इस प्रकार से चल जाता है। ये 4800 रुपये की रेंज का स्टॉक है, ये 4800 रुपये। हाँ जी हाँ जी, 4800 रुपये। ये भी ये हाई अल्टीट्यूड जो प्रोफेशनल ट्रैकर होते हैं ना, वो ट्रैकर इसी स्टॉक को लेके जाते हैं कि अपना ये बैग है, इस बैग के अंदर चूल्हा आ जाता है, और बैग के पीछे रक्षक बैग के पीछे टांगा और चल दिया। चूल्हे में तो बहुत सारी वैरायटी है, नॉर्मल जो 600 रुपए का आता है वो वाला भी है, सूटकेस में आता है वो वाला भी है, कमल की फूल की तरह भी है, मतलब विनायका सेल्स में भैया 10-12 तरह के तो सिर्फ स्टॉक है हमारे पास। हाँ जी अंकल जी, आपके पास वो पानी की कैन थी, हाँ, ये हाँ ये कैसी आ रही है? पहले ये सिंपल वाले दिखाओगे आप पहले? ये 1 लीटर वाटर पाउच है जिसपे आप मौके पे पेट्रोल और पानी वगैरह भी डाल के यूज कर सकते हो। इसके बाद में ये हमारे पास में इसका प्राइस है 100, ठीक है। ये इसके बाद में 5 लीटर है, इसका प्राइस है 200, ठीक है। अब इसके बाद में इसी में अगर नल का लेंगे तो इसका प्राइस है 250। ये अभी नया आइटम है, मुझे लगता है पहले नहीं था आपके शॉप पर, ये पहले नहीं था, अब ये नल में भी आ गया। ये कितने लीटर का पड़ेगा? ये भी 5 लीटर है, इसमें नल लगा दिया। अच्छा, नल लगा दिया। आप इसको ऐसे हैंगिंग कर लो, ठीक है, और अपना, और ये सपोर्ट एकदम बिल्कुल मतलब बैठ जाएगा ना, खड़ा हो जाएगा, ये ऐसे पैदा हो जाएगा, इसका आप ऐसे रख भी सकते हो, ठीक है ठीक है, ऐसे रख भी सकते हो। ओके, उसके अलावा फिर ये हमारे पास में पहले 5 लीटर ही होता था, अब ये 10 लीटर में भी आ गया, बड़ी डिमांड। ये प्लेन है, इसमें टंकी भी उसमें वो टूटी नहीं है, इसका प्राइस है 300, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी में अगर आप टूटी कर लेंगे तो इसका प्राइस है 350। और जैसे फोल्ड करके बैग में रखना चाहें, अगर आप इसको फोल्ड करके ऐसे बैग में रख सकते हो, ये टूटी भी है ना, ऐसे हटा भी सकते हो। अच्छा, हट जाएगी ये? हाँ, ये बढ़िया फोल्ड हो जाएगा, और आप इसको ऐसे फोल्ड करके रख सकते हो इजीली, एक्स्ट्रा बाकी लीकेज तो नहीं होगी दोबारा लगाने, बिल्कुल कोई दिक्कत का बैग के अलावा कुछ नहीं, कोई लीकेज नहीं है। इसका क्या प्राइस है? इसका 350। 350, ओके। 100, 200, 250, 300, 350, ओके।
भाई ये लंबा लंबा इसका ये क्या चीज है इतनी बड़ी सी? ये कुर्सी है भैया कैंपिंग के लिए ना। हाँ कुर्सी तो मुझे चाहिए, कुर्सी दिखाओ कोई चीज है। बैठो खुद टेस्ट करो, ये इंडियन क्वालिटी की चेयर है। मैंने सुना आपको एक ऐसी चेयर रखी बिल्कुल निकाली और खोली बैठ गए इजी एकदम। हाँ जी 1000 रुपए की रेंज की चेयर है हमारे पास, इंडियन क्वालिटी है। देखो आप मार्केट में बतेरे बैठे हैं जो सस्ता देते हैं, जी सस्ता देते हैं, क्वालिटी पर फर्क होता है। चाइना माल है ये, इंडियन माल है, अपनी खुद की विनायका सेल्स की प्रोडक्शन है। यू करा बैठ गए, बस बैठो आप इस पे, बैठो बैठो यार। पहले तो उसकी फोल्डिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी एकदम इजी, तो खोलते ही साथ ही बंदा यूं बैठ जाओ और अपना चिल करने के लिए अपने यहाँ पर अपना पैक बुक रख लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी रख के आराम से पियो। हाँ जी हाँ जी, वाह भी वाह। सारे कलर है इसमें, 150 किलो तक की गारंटी लेते हैं। 150 किलो? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई 150 किलो मेरा है। हाँ आपका 100 किलो नहीं है, 90 किलो। ये देखो इसको ऐसे पैक करो, वाह भी वाह। इसको पैक करो यहाँ पर अपना अपना लगा लो, टांग लो, चलते रहो। चलो भाई ये तो ही हो गया, बहुत बढ़िया। और दिखाओ चूल्हा तो दिखा दिया और इसके बर्तन और दिखा दो। हाँ मैं इसके बर्तन दिखाता हूँ। पहले ये चूल्हे के लिए आप ये देखो, नई आइटम है हवा के लिए, फ्लेम गार्ड। अच्छा फ्लेम गार्ड। ये आपकी काफी डिमांड थी काफी कस्टमर्स की कि चूल्हे को हवा लगती है खाना बनाते टाइम, तो अपना पोर्टेबल है। इसको निकाला ये देखो, अच्छा कुछ तरीके से लगता है फ्लेम गार्ड। तो पूरा सेटअप करके दिखा देना ये देख। उसके साथ उसके बाद अपने पास ये कैम्सर कंपनी के बर्तन है, ये कैम्सर कंपनी के बर्तन है 2 से 3 मंदों के लिए 1550 रुपए की रेंज में। इसी में एक कैटल वाला मॉडल आता है 1850 रुपए की रेंज, उससे बड़ा ये फैमिली पैक आता है 4 से 6 मंदों के लिए बनाने और खाने के लिए 2850 रुपए की रेंज। 1850 रुपए वाला दिखाओ, मैं ये दिखाता हूँ 1550 रुपए दिखाना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको 1850 वाला भी दिखाना। जी 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 मीडियम हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, कैटल वगैरह सब इसमें, कैटल तो अलग लेनी पड़ेगी ना, कैटल वाला सेट अलग आता है जी। इसमें अपना खाना चावल चावल वगैरह हो गया, राइस वगैरह। इसमें आपने और कुछ दूध वूध गर्म कर लिया, चाय वाय बना ली। 4 भगोने हैं आपके पास, छोटे बड़े चारों साइज के कॉम्पैक्ट। वो दिखा दो दूसरा वाला, ये मैं कैटल वाला सेट दिखाता हूं। उसके बाद ये बड़े वाला सेट है, ये 4 से 6 बंदों के लिए है। 4 से 6 बंदों के लिए? हाँ जी हाँ जी। इसमें एक बड़ा फ्राई पैन है, ये देखो भैया ये एक बड़ा भगोना है। भगोना से टिक जाएगा ये? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, क्यों नहीं टिकेगा, ये लो ना, क्यों नहीं टिकेगा। 5 किलो का कुकर है, जरा सा दुनिया का सबसे छोटा स्टोव, ये देखो ना इसमें ये भगोना भी टिक जाएगा। देखो ये देखो आराम से फर्स्ट क्लास। इसके बाद एक ये वाला बर्तन है, उसके अंदर 3 बड़े बड़े भगोने हो गए, एक ये और भगोना, एक बड़ा फ्राई पैन भी ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए आप दाल वाल तड़का उड़का मारना हो तो, एक ये आइटम हो गई। इसके साथ ये 3 बड़ी बड़ी कटोरियाँ हो गई, प्लेटें हो गई, सॉरी 5 इसके अंदर अलग अलग आपको कटोरियाँ हो गई। एक ही आपको इसके अंदर सर्विंग स्पून हो गई, ये इसका कुचिया हो गया, 5 4 बर्तन होगी 4 लीटर। छोटा पड़ता मॉडल, ये भी बेस्ट मॉडल है। 3 भगोने हैं, बड़ा फ्राई पैन है, 5 कटोरिया है, 3 बड़ी प्लेटें हैं, जूना है, सर्विंग स्पून है, कुचिया जूना, पूरा सेट है। बनाना और खाना 4-5 बंदों का आराम से हो जाता है इसके अंदर। सभी आपने ये सारा सामान तो दिखा दिया मुझे, अभी ये ताम झाम जितना भी है। हाँ जी, ताकि एक बैग में अपना आ जाए कैंपिंग ये बैग ले लो, 65 लीटर का बैग है। नीचे शू कंपार्टमेंट है कि आपके जूते उते गिल्ले हो गए, ये कपड़े वगैरह नीचे के नीचे रख दो। पीछे इसके अंदर हैवी पैडिंग है, साइडों में भी पॉकेट है, फ्रंट लोड बैग है, आगे से भी पॉकेट है, इसमें साइडों से भी पॉकेट है इसके अंदर। पूरा बैग वाटरप्रूफ होता है, अब जितने मर्जी आप 4-5 7-8 दिन की ट्रिप का सामान इसके अंदर रख लो। सबसे मेन नीचे इसमें रेन कवर के लिए भी स्पेस है, यहाँ पे इसमें आप अपना रेन कवर डालो, निकालो बैग को, पूरे बैग को रेन कवर कर दो। छोटे में तो बहुत है भैया, रक्षक बैगों में बहुत सारी वैरायटी है, बट आपको जो चलेगा मैं वो दिखा रहा हूँ, जो सामान पूरा चलेगा। जी जी मेरे पास सेटअप है, एक तो दोनों तरफ है, एक तो हो गया
और जैसे कि टेल बैग के लिए ये काम जी, रहेगा जी जी बिल्कुल, टेल बैग की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, और ट्रैकिंग के लिए नहीं, आपने बाइक खड़ी करी कहीं पे भी टांगा और हमने चलो भाई चल देते देखते हैं कैसे बर्फ पड़ रही है। बढ़िया है बैग, आप इसको छोटी है ये ठीक है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ यही बैग ले लूँ इसके साथ, जो भी ताम झाम जितना भी सामान है सब इसके अंदर मेरा अपना आ जाएगा। तो गाइस वीडियो हो चुकी है ज़्यादा लंबी, और सोचता हूँ वीडियो यहीं पर एंड कर दूँ मैं, ठीक है गाइस। नीचे से दिखाए से ये लो भाई, ये मेरा कैंपिंग का सामान भाई, मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर तो अभी टाइम है नहीं दिखाने का, भैया जी थोड़ी बिजी भी है तो घर ही आके दिखाता हूँ। अच्छा भाई ठीक है भैया, थैंक यू, बड़ा बहुत धन्यवाद आपने मुझे दिया सामान बढ़िया से निकाल कर और अच्छे रेट में दिया आपने, थैंक यू जी। तो चलते हैं घर पे, ये लो भाई अपने शंकर का अपना सामान। आगे भाई सामान लेके यहाँ रख दिया है, ये आ गया अपना सारा सामान जो मैं अभी विनायका सेल से लेके आया हूँ शास्त्री नगर से, जो जो मैंने सामान आपको वहाँ दिखाया है वीडियो में दिखाया है, मैंने शुरू से जो आपने सामान देखा है वीडियो में अधिकतर मैं सामान वही लेके आया हूँ इसके अंदर करते में। आप सोच रहे हो इतना सारा ये कैसे भर गया बोरा ही। तो दोस्तों इसके अंदर अपना स्लीपिंग बैग है, एक मतलब काफ़ी सामान है इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब भारी भारी सामान है, बर्तन वगैरह टेंट का सामान सब है इसके अंदर, जो मैंने आपको दिखाया लेते वक्त वही इसके अंदर अधिकतर सारा सामान है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे लिए दुआ करना ताकि मेरी पहली कैंपिंग मेरी सक्सेसफुल हो जाए, कभी भी मैं कहीं भी जाऊं छोटी राइड पर या बड़ी राइड पर मेरी ये कैंपिंग वाली राइड सक्सेस हो जाए। और हाँ गाइस अगर मेरी आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपको पता नहीं क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और कमेंट्स में बताना कि आपको ये सामान मेरा कैसा लगा कैंपिंग वाला, ठीक है, और दोस्तों को शेयर जरूर करना ये, ठीक है। तो अब चलते हैं जय जय शिव शंकर काटे लगन कंकर ओनेश्वर से जय भोलेनाथ सबके साथ, जय हिंद।